हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? सो फर्स्टली फॉर न्यू हियर एंड दोस्त टू डोंट नो मी एंड पंकज इज सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट डीएम जोधपुर। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप या मैं कोई भी हो, हर कोई ये चाहता है कि हमारा बायोलॉजी में परफेक्ट स्कोर आए, 360 out of 360, क्योंकि सिलेबस जो है वो एक कन्फाइंड एरिया में से आता है, राइट? दो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको पढ़ना होता है। पहले मैंने एक टेक्निक दी थी, 800 line टेक्निक, जिसको यूज़ करके बच्चे सक्सेसिवली 340+ स्कोर कर रहे हैं। हर एक टेस्ट में 340+ स्कोर कर रहे हैं, राइट? अगर वो नहीं देखी है तो पहले बोले। एंड आज मैं आपको एक वो डिफरेंट यूनिक टाइम मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूँ। आई गारंटी किसी ने नहीं बताया होगा। लॉजिक के साथ आपको बताऊँगा क्यों आपको फॉलो करना चाहिए 360 out of 360 या 350 out of 360 स्कोर करने के लिए, राइट? सो 4.5 घंटे 4.5 hours मैं आपके लिए, आपसे मांग रहा हूँ आपके बायोलॉजी के लिए। एंड आई गारंटी दैट 340+ स्कोर करोगे ही करोगे अगर इस तरीके से चले तो, राइट? अब टाइम मैनेज कैसे करना है? दिन में 3 chapter पढ़ने हैं, तभी आप 3 से 3.5 chapter पढ़ोगे, तभी आप 10 दिन में आप एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाओगे, ताकि 2 या 3 बार एनसीईआरटी आप जाने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। 4.5 घंटे मैंने बोले हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब टाइम मैनेज कैसे करना है, राइट? 2 hours, 1.5 hours, 1 hour, यही क्यों और क्यों नहीं? देखो, 2-3 लॉजिक हैं। पहला लॉजिक, आपके जो एग्ज़ाम आएगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि प्लांट किंगडम से पहले क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल किंगडम से उसके बाद मॉर्फो से क्वेश्चन आ रहा है, राइट? ऐसा कभी नहीं होगा कि पहली यूनिट फिर दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट, क्वेश्चन में सब मिक्स आते हैं, राइट? और ये कारण होता है कि माइंड का वो पजल हो जाता है, तो हमें चैप्टर भी मिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे लास्ट टाइम, एटलीस्ट इस टाइम। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोला हूँ, मैंने खुद के किए हुए हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली यूनिट पढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी, 12th छोड़ रखी उसके बाद में, राइट? तो मिक्स चैप्टर, अभी मिक्स कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ताकि हमारा माइंड जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे, पाथ नंबर एक। दूसरी बात, बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपन 1 घंटे में पढ़ ही नहीं सकते, उनको चाहिए 1.5 घंटे या 2 घंटे। 2 घंटे वाले चैप्टर्स कई सारे हैं, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शंस, आपके मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी इन फ्लोरिंग प्लांट्स हो गया, राइट? ये और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको 2 hours मिनिमम चाहिए ही चाहिए, राइट? आप 2 hours से पहले ख़त्म करने की कोशिश करोगे, वो माइंड में इंफॉर्मेशन जो है कम जाएगी, आप जल्दबाजी करोगे तो कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। हमें एनसीईआरटी को लास्ट टाइम रिवाइज करना है, बट अच्छे से करना है, ना कि घास काटने के लिए, राइट? फिर कुछ 6 घंटे के चैप्टर्स हैं, बायोडायवर्सिटी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 11th का पहला चैप्टर, 12th का पहला चैप्टर, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सेल साइकिल, सेल, राइट? और बायोडायवर्सिटी, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो केवल 1 घंटे के हैं, 45 मिनट के हैं, तो उनको केवल 1 घंटे में ही ख़त्म कर, राइट? और बचे हुए चैप्टर्स जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ना छोटा है ना बड़ा है, सेल वो ना छोटा है ना बड़ा है, तो उसको 1.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये प्लांट किंगडम हो गया, ये सारे 1.5 घंटे के चैप्टर्स हैं, तो इनको कोशिश करो 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर सको इन चैप्टर्स को, राइट? तो दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक जो था वो ये था। तो आई सजेस्ट वन थिंग, आप पूरी बायोलॉजी में 38 chapter है, 3-3 chapters के 12 से 13 set बना लो, राइट? और उनको 10 दिन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करो, 4.5 घंटे के अंदर। आई गारंटी अगर 800 lines आप टेक्निक फॉलो करते हो, दूसरा ये टाइम मैनेज करते हो, बायोलॉजी में 350-360 स्कोर करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और ये ऐसा नहीं बोला कि मैंने कहीं से पढ़ा है, कहीं से देखा, आप कहीं से उठा के देख लेना, किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्टूडेंट्स, कोई मेंटर, कोई आपको ये नहीं बताएगा। ये दोनों चीज़ मेरी पर्सनली यूज्ड हैं, और ये मैंने अपनी गलतियों से सीख के उसके बाद यूज़ की है, तो श्योरली 100% आपको बेनिफिट होगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी, राइट? इंस्टाग्राम पर आप हाय बोल सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। सी, अभी पर्सनल मेंटरशिप वाले बच्चे जो हैं वो मेरी प्रायोरिटी है, स्टिल आई एम लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की हेल्प कर सकूँ, बट पर्सनल मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप भी डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल सेशन चाहते हैं, डबल या ट्रिपल सेशन चाहते हैं, तो नीचे जो है सारे लिंक जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पर्सनल मेंटरशिप की प्रोवाइड की हुई है। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं, एंड अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन देन एंड टू सब्सक्राइब, राइट? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।